लेफ्टिनेंट सोहराई उड़ाओ देश सेवा कर घर वापसी पर रांची रेलवे स्टेशन से स्वागत करके प्रखंड ससई के ललित उराव स्टेडियम महुआ डीपा से उनके आवास तक प्रखंड के सेना से निवृत्त फौजियों एवं आदिवासी सहयोग समिति गुमला भारत ट्रस्ट एवं समाज सेवियों एवं ग्रामीणों के द्वारा आदिवासी रीति रिवाज के साथ स्वागत किया गया। शुभकामनाएं प्रदान की गई। स्वागत सम्मान समारोह में काफी भीड़ भाड़ था। वहीं 1997 में लोहरदगा जिला के बदला गांव से सुखमणि कश्यप के साथ विवाह किए। वहीं अभी दो पुत्र अमवेद और अंबर है। सोहराई जी का 25 अप्रैल 1994 से 30 अप्रैल 2022 तक देश सेवा में समर्पण किए। उन्होंने 25 अप्रैल 1994 में सेना में शामिल हुए थे और दानापुर ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग पूरा किया था। 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त हुए। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए पत्रकार को बताया कि प्राथमिक शिक्षा विकास विद्यालय बिशनपुर एवं मैट्रिक इंटर की परीक्षा लोहरदगा लूथरन हाई स्कूल से की। वर्ष 1996 से 2022 तक अनेक उपलब्धियां हासिल की। साथ ही उन्हें 26 जनवरी 2022 को ऑनरी लेफ्टिनेंट पदोन्नति भी मिला और वे 30 अप्रैल 2022 को सेना से निवृत्त हुए। मेरे को तो सेना के अंदर में बहुत अच्छा रहा। हर समय मैं बहुत जो भी टास्क दिया गया था उसको तो बिल्कुल तन मन से किया हूँ। एक पीस लोकेशन से लेकर हेल्थी से लेकर मैं ग्लेशियर तक में पूरे में अपना जी जान लगा के काम किया। उसी आज में मेरा जो ये जो लगा हुआ है ये आर्मी कमांडर का दिया हुआ है और यही हमको वार्ड जो है आज ऊपर में हमको ऑनरी लेफ्टिनेंट आज बनाया। 25/4/1994 ज्वाइन किया था। हमको लास्ट में थोड़ा सा एहसास हुआ है, इसके बीच में तो मैंने कभी भी एहसास नहीं किया है। बहुत खुशी खुशी जीवन बिताया सेना में भी और जब भी छुट्टी आता था पूरा कोई प्लानिंग के साथ आता था। लोगों से यही कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से कोई भी मतलब कि अपना काम करते हैं उसको लगन के साथ करें और हर जितना भी आगे के जो पीढ़ी जो बीत चुके हैं उन लोग से राय और सलाह लेकर उनके राह के बताए हुए किस हिसाब से चलना चाहिए। इसे 28 साल के दरमियान हमको उतार चढ़ाव काफ़ी तरह तरह के आया। हर जगह हमको गोली भी चलाना पड़ा और चलाए भी बचाए भी और बर्बाद भी किए। और हमारे जो जितना भी जो हमारे बटालियन कमांडर का जो भी आदेश मिला है उसके ऊपर हमने 100% तो नहीं कहूँगा लेकिन 90% तक उनका अमल किया मैंने हर बार। मेरा नाम है सूबेदार ऑनरी लेफ्टिनेंट सोहराई उराव 21 बिहार बटालियन करेक्शन बिहार रेजिमेंट से बिलोंग करता हूँ। युवा पीढ़ी को तो फर्स्ट प्रायोरिटी में अपना सबसे अहम भूमिका है कि पढ़ाई में सबसे ज़्यादा बल देना चाहिए, उसके बाद अपना फिजिकल में, उसके बाद ही अपना समाज सेवा या कोई अपना आगे का कल्चर या कोई भी अपना लाइफ सेटिंग के बारे में अपना सोचें, इससे पहले कुछ भी आगे पीछे ना सोचें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।